मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर साइंस लेक्चर. स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट योर सिक्स चैप्टर हैज रनिंग सिंस यस्टरडे, एंड यस्टरडे वी डिस्कस्ड चेंजेस एंड इट्स कैटेगरीज. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ टुडे इज 18 अगस्त 2020, एंड दिस इज योर क्लास वर्क ऑफ साइंस एंड चैप्टर सिक्स, दैट इज चेंजेस अराउंड अस. ओके स्टूडेंट, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक रिवर्सिबल चेंज. ओके, सो रिवर्सिबल चेंज, द चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. स्टूडेंट्स, रिवर्सिबल वो चेंज है जिसमें जो सब्सटेंस है, जो वो चेंज है जो रिवर्स हो सकता है. रिवर्स मीन्स अगर वो जो पहले की स्टेट में था, वो जो जिस फॉर्म में पहले था, अगर उसमें कुछ चेंज होता है तो दोबारा उस चेंज के बाद हम उसे दोबारा उसी स्टेट में ला सकते हैं. उस चेंज को बोलेंगे रिवर्सिबल चेंज. और दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन होगी नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, मीन्स कोई नया न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा, बस उसी चीज की स्टेट में चेंजेस होंगे. जैसे वो लिक्विड से गैस, गैस से व्हाटएवर, उसकी स्टेट में चेंज होगा, लेकिन कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा. रिवर्सिबल चेंज कैन टेक प्लेस इन बोथ द डायरेक्शंस. जैसे मैंने आपको समझा दिया है, जो रिवर्सिबल चेंज है वो दोनों डायरेक्शंस में होता है. मींस जो फर्स्ट डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में गया, उसके बाद उस डायरेक्शन से वापस उस डायरेक्शन में आ सकता है जो उसकी ओरिजिनल स्टेट थी पहले की. और इसका साइन होता है स्टूडेंट, एज यू कैन सी रिवर्सिबल का साइन बनता है ये. ओके, मींस अगर आपको कहीं भी ये साइन दिखता है तो आप समझ सकते हो कि वो कौन सा चेंज है. यस, वो रिवर्सिबल चेंज होगा, क्योंकि ये चेंज दोनों डायरेक्शन में हो सकता है. ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड द पिक्चर ऑफ रिवर्सिबल चेंज. स्टूडेंट्स, हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि रिवर्सिबल चेंज कैसे होता है. सपोज ये है आइस, ओके, और यह है वाटर. आप जानते हो आइस कन्वर्ट हो सकता है वाटर में अगर हम इसको हीट करें, ठीक है. तो स्टूडेंट्स, जैसे ही हीट हुआ या फिर से नॉर्मल टेम्परेचर में रखा, ये कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में. अगेन हम इस वाटर को कन्वर्ट कर सकते हैं आइस में, कैसे, अगर हम इसे ठंडा करें, बाय कूलिंग इफेक्ट, ठीक है. तो ये डायग्राम समझा रहा है कि रिवर्सिबल चेंज इस तरीके से होता है. इसमें कोई न्यू सब्सटेंस बन रहा है नहीं, ओनली वाटर था जो पहले कौन से स्टेट में था, ये सॉलिड स्टेट में था आइस, ठीक है. उसके बाद ये कन्वर्ट हुआ है लिक्विड में, इसकी स्टेट चेंज हुए है, लेकिन इसमें वाटर मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल मौजूद है, इसे कुछ नया सब्सटेंस नहीं बना है. तो हम कह सकते हैं इसमें रिवर्सिबल चेंज हुआ है. ओके, सो ये एग्जांपल है आइस चेंजेस इनटू वाटर ऑन हीटिंग, एंड वेयर एज वाटर चेंजेस इनटू आइस ऑन कूलिंग. एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया है कि वाटर कैन बी कन्वर्ट इनटू आइस, आइस कैन बी कन्वर्ट इनटू वाटर. तो ये चेंज होगा रिवर्सिबल चेंज. नाउ वी हैव एन अदर अनदर एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल चेंज. स्टूडेंट्स, दिस इज अ बलून, ठीक है. हमने इसमें हवा भरी है, और अगर मैं इसको रिलीज कर दूं, ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, इसका सिर्फ शेप चेंज हुआ है, इसे कोई नई चीज नहीं बनी. अगेन मैं इसमें हवा भर के इसे फुला सकते हैं हम, ठीक है स्टूडेंट. ये एग्जांपल है रिवर्सिबल चेंज का. और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम जब रोटी बनाते हैं, पहले हम डो तैयार करते हैं, ठीक है स्टूडेंट. तो अगर हम उसको शेप देते हैं, जब हम रोटी को शेप दे रहे होते हैं, उसको रोल करते हैं, तो कई बार हमें अपनी पसंद की शेप नहीं मिलती, तो हम अगेन उसको फोल्ड करके उससे गोली बना लेते हैं, ठीक है. तो उसमें कुछ दोबारा से बन सकता है, ठीक है. तो इस टाइप की चेंज, अगर हम उसको बना दे, पका दे, तो दोबारा से पके उनको नॉ मटेरियल में नहीं ला सकते, वो रिवर्सिबल नहीं होगा. लेकिन अगर उसके शेप में वो हुआ है, तो हम उसको जब तक वो कच्चा है, ठीक है, तो वो चेंजेस होते हैं रिवर्सिबल चेंज. आई होप यू अंडरस्टैंड रिवर्सिबल चेंज इन, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस इन रिवर्सिबल चेंज. ओके स्टूडेंट, सो नाउ इट्स इनफ फॉर टुडे. नोट डाउन दिस क्लास नोट इन योर साइंस नोटबुक विथ नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.